नाज़रीन क्या कैसे हैं, सलामत रहें सब दोस्त। मैं आपको अपने फार्म हाउस की डिटेल बताऊंगा, अपने पौधों के बारे में बताऊंगा, जो जो वैरायटीज़ हम यहाँ पे लेकर आए हैं, लोचिल वैरायटीज़ लेकर आए हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर फल देने वाले ऐसे पौधे जो आप हमेशा ठंडे इलाकों में ही सोचते हैं। आप पौधों का नाम सुने या फ्रूट्स का नाम सुने तो आपको फौरन आपके जहन में आता है कि सवात, कलाम, गिलगित वगैरह वगैरह, जितने भी कूल एरियाज़ हैं आपका फौरन उन्हीं पर ध्यान जाता होगा। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोचिल वैरायटीज़ पाकिस्तान में गर्म इलाकों के लिए लेकर आए हैं, जिनमें एना एप्पल है, लोचिल वैरायटी, बादाम, पिस्ता, काजू, पीकान नट, ये सारी लोचिल वैरायटीज़ हैं हमारे पास। और ये हमारा जो बाग है इसमें हमने सारी इंटरक्रॉपिंग की हुई है, तमाम फ्रूट प्लांट्स की और बेहतरीन ग्रोथ है, और हम इन तमाम फ्रूट प्लांट्स का पहला फल ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन फ्रूटिंग हुई है। इसकी फ्रूटिंग में कोई कमी बेशी नहीं रही, और हम मुतमिन हैं, और जितने भी बिस्तर हजरात ज़िम्मेदार हजरात इसको देख कर गए हैं वो लगा भी चुके हैं, और गर्म इलाकों में ख़ास तौर पर सिंध में लग चुका है, पंजाब के तमाम एरियाज में लग चुका है, ये बलूचिस्तान में भी लग चुका है, किपके में भी लगा चुके हैं, और ये जितने भी गर्म इलाके हैं अपने पाकिस्तान के उनमें ये लग चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पिस्ता बाकायदा 25 एकड़ पिस्ता लगाने जा रहे हैं, और स्पेशली गर्म इलाकों में जहाँ पे कोहरा वगैरह नहीं पड़ता, तो इंशाल्लाह जो है ना वो हमारा कामयाब रहेगा। पिस्ता और पीकान नट और काजू वगैरह ये 3 साल बाद हमें फ्रूट देंगे, और जो एना एप्पल है और बादाम है ये अगले साल फल देंगे। ये जवान पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका फल हम दे भी चुके हैं और बेहतरीन नतीजे हासिल कर चुके हैं। जो दोस्त शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो आएँ हमारा फार्म हाउस देखें, पौधों का रिजल्ट देखें। अभी सेप्टेम्बर में एना एप्पल की अगेन, आपको एक और बात बताना भूल गया कि एना एप्पल डबल फल देता है, साल में 2 मरतबा फल देता है, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा फल। एक अभी सेप्टेम्बर में फल लेगा, चांद पौधों की फ्लावरिंग अभी शुरू हुई है, और एक फल जो है इंशाल्लाह वो आगे देगा फरवरी मार्च में। तो ये हम मेरे पौधों की डिटेल है, आप आएँ हमारा फार्म हाउस विज़िट करें, पौधों का रिजल्ट देखें, और जो ख्वाहिशमंद है वो ट्राई भी करें। बहुत शुक्रिया।